स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अगर बच्चे विद्यालय तक नहीं जा रहे हैं तो विद्यालय को बच्चों तक जाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं उसी बात को ध्यान में रखते हुए इस पूरे एकल की संरचना को तैयार किया गया। मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा हर्ष होता है कि धनबाद जहाँ पर मेरा जन्म हुआ वहाँ परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री मदन बाबू और भावराव जी देवरस, इन दो लोगों ने मिलकर इस पूरे एकल की कल्पना को तैयार किया और वन टीचर स्कूल, एक शिक्षक विद्यालय की संरचना को तैयार किया कि जिसमें गाँव में ही एक विद्यालय की व्यवस्था की जाए जहाँ पर वहाँ के बच्चे आ सकें और एक प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, जो कि केवल शिक्षा नहीं रहे, संस्कार भी उसके साथ रहे, स्वास्थ्य भी उसके साथ रहे, उसकी जानकारी उनको दी जाए। इस बार दिल्ली से अमृता नायर आई हैं, तो उनको हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं और वो नदिया अंचल में बहुत सारे स्कूलों को देखने के लिए हम उनको सहयोग कर रहे हैं। I'm Amrita Nayak and I'm from Sita Devi Malhotra Charitable Trust. We are associated with Friends of Tribal Society since 2015 for the EKAL project. It's called the One Teacher School. यह कार्य सन 1989 में शुरू किया गया और मुझे बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि 1989 का वक्त छोटा सा कार्य आज पूरे देश भर में 65,000 विद्यालय का रूप ले चुका है। जैसे आँखों की डिबिया में निंदिया, हर निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई। जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की नहर है, खो न जाए ये। একল হচ্ছে পঞ্চমুখী শিক্ষা, এখানে আছে একল মানে হচ্ছে আমাদের একল অভিযান। এখানে হচ্ছে যেরকম শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা, তার সঙ্গে হচ্ছে আমাদের আরো পাঁচটা শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত আছে, যেরকম জাগরণ আছে, সৎসঙ্গ আছে, তারপরে এরকম হচ্ছে আমাদের যে আরোগ্য শিক্ষা আছে, কৃষি বিষয়ে যে শিক্ষাগুলো আছে, পাঁচটা শিক্ষা নিয়ে আমাদের এই গতিবিধি মানে একল অভিযান। We also included few extra aspects which are not part of the regular EKAL curriculum, like developing a training book in Jharkhand, which is basically used by the teachers. Once we also suggested them to include different kind of activities in their classrooms, and fortunately the teachers were very excited about new activities and they included that. আমার নাম মলয় মণ্ডল,
এফটিএস অফিসারের স্টাফ, আর আমার কাজটা হচ্ছে ফিল্ডের সঙ্গে অফিসের কোঅর্ডিনেট করা। অফিসে যখনই কোনো রিপোর্ট যায় কোনো অঞ্চল থেকে কোনো সঞ্জ থেকে, সেই রিপোর্ট অনুসারে অফিসে ডিসিশন নেয় আমাকে কোথায় যেতে হবে। যেমন আমি বিহারেরও ডালটনগঞ্জ গিয়েছি, উড়িষ্যার রাউরকেল্লায় গিয়েছি, ঝাড়খণ্ডে গিয়েছি, বাট বাংলার তো অনেকগুলো অঞ্চল, প্রায় দক্ষিণবঙ্গের সব অঞ্চলেই আমি ঘুরেছি। एक मासूम सी नाव है जिंदगी जिंदगी, तूफान में डूल रही जिंदगी जिंदगी, माझी की आंखों में झांक कर किनारा ढूंढ रही है जिंदगी 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 जिंदगी। बादलों का शोर बहुत तेज, हवा चल रही है तेज, हवा चल रही है, इकलो माझी के हाथ में, इकलो माझी के हाथ में, आंख मूंद है जागी हुई, आंख मूंद है जागी हुई, एक मासूम सी नाव है जिंदगी जिंदगी। आज का जो यह हमारा विजिट था, यह हमारे दिल्ली के डोनर, उनका यह था कि वो आके विद्यालय को देखें, कैसे काम चल रहा उसको समझें, और उस प्रकार से इसकी पूरी संरचना को देखने का कार्य हुआ। आज हम लोगों ने तकरीबन 6 गांव में 6 विद्यालयों को देखा, वहां के टीचरों से बात की, वहां के बच्चों से बात की, वहां के गांव वालों से बात की कि क्या असर आ रहा है इस एकल विद्यालय का उन पर। एकल प्रयास के माध्यम से एटलीस्ट वो अक्षर ज्ञान और संस्कार ज्ञान उनकी उनको बखूबी जानकारी हो रही है, और उस क्षेत्र में एकल प्रयास बहुत ही सफल अभियान चला रहा है। सो व्हाट मेड अस टू कोलैबोरेट विद देम, दे गो टू द इंटीरियर एरियाज एंड दे क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इन द विलेज अपार्ट फ्रॉम द स्कूल। जे এখানে যে আধ্যাত্মিক স্পিরিচুয়াল অর্থাৎ সংস্কার শিক্ষা যেটা, সেটা অন্য জায়গায় হয় না, সেটা এখানে হয় একল বিদ্যালয়ে। সেই সংস্কার শিক্ষা হয়, যার ফলে এটা খুব দরকার আছে আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতিতে, ভারতীয় সংস্কৃতি ওই পদ্ধতিতে আর শিক্ষা দেওয়া হয় বাচ্চাদের, আর সেই জন্য একল বিদ্যালয় প্রতিটা গ্রামেই আর জরুরি আছে। আজ একল কো আবশ্যকতা হয় নই যুবা বর্গ কি, যাহা যুবা বর্গ আকে ইসকে কার্য কো সমঝে অর আপনে আপকো ইস কার্য মে জুড়ে। देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे जमीन पर।